नमस्कार। किडनी हमारे शरीर का बहुत जरूरी हिस्सा है। किडनी शरीर की सब प्रकार की गंदगी को बाहर करता है। कभी कभी हमारी किडनी जरूरत से ज्यादा काम करती है, जिससे उनकी फंक्शनिंग कम हो जाती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपनी किडनी को डिटॉक्स करें। आज मैं आपको किडनी को डिटॉक्स करने के 3 तरीके बताऊंगी। पहला तरीका है बेरी डिटॉक्स ड्रिंक। ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी, क्रैनबेरी जैसी चीजें, ये सब बेरी स्वाद में तो अच्छे होते ही हैं। इनमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो आपकी किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप इन फलों को कच्चा भी खा सकते हैं या इनका एक स्वादिष्ट न्यूट्रिशियस ड्रिंक भी बना सकते हैं। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको ब्लूबेरी, क्रैनबेरी या स्ट्रॉबेरी लेनी होगी। आप कोई भी बेरी वापर सकते हैं जो सीजनल हो। 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस, 1 बड़ा चम्मच ताजा पुदीने के पत्ते, 1 से 2 छोटी चम्मच शहद, 2 कप नारियल का पानी, ये सब के उपयोग से हम ड्रिंक बनाएंगे। 2 कप नारियल का पानी लें और अब देखें ये ड्रिंक को कैसे बनाया जाए। 1 ब्लेंडर में ये सारी चीजें डालें और उसे अच्छी तरह ब्लेंड करें। ब्लेंड उतना करें जिससे आपको स्मूथ कंसिस्टेंसी मिले। इसे छानना नहीं है, इसे ग्लास में सीधा निकाल लेना है। अगर आपको चाहिए तो थोड़े से पुदीने के पत्ते डाल सकते हैं। बेरीज में एंथोसियानिन जैसे कंपाउंड होते हैं जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। ये आपकी किडनी को डैमेज होने से बचा सकती है। पुदीने के पत्तों में सिर्फ ताजगी ही नहीं होती बल्कि ये पाचन में भी मदद करते हैं। नींबू किडनी स्टोन्स के रिस्क को कम करता है और नारियल पानी हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स, एंटी ऑक्सीडेंट्स को प्रदान करता है। ये शरीर की गंदगी को बाहर करता है और किडनी को फंक्शन करने में मदद करता है। दूसरा है योग आसन। किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सर्वांगासन करें। आपकी किडनी आपकी स्पाइनल कॉर्ड के पीछे है, तो कोई भी योगासन जो आपकी लोअर बैक को स्ट्रेच करता है वो आपकी किडनी के लिए काफी फायदेमंद है। सर्वांगासन से आपकी किडनी में अच्छा ब्लड फ्लो होता है और आपके लोअर बैक को भी अच्छा स्ट्रेच मिलता है। जैसे आप अपने शरीर को अपने हाथों से पकड़ते हो, खासकर किडनी एरिया की तरफ से, तो इससे आपकी किडनी को बहुत अच्छा मसाज मिलता है। इस आसन के स्टेप्स कुछ इस तरह हैं। अपनी पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएं और साथ ही अपने टॉर्सो को भी। इस दौरान आप अपनी लोअर बैक को हाथ से सपोर्ट कर रहे हैं। शरीर को सीधा रखें, कंधे, गर्दन, सर को जमीन से सटा हुआ रखें। इस पोज में 3 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुके। जब आप सर्वांगासन में रुकते हैं तब प्राणायाम नंबर 4 एब्डोमिनल ब्रीदिंग वहां करते रहें और धीरे धीरे फिर वापस पूर्व स्थिति में आ जाए। सर्वांगासन आप किसी टीचर के मदद से ही शुरुआत में करें। तीसरा, प्रोसेस्ड फूड कम खाएं। क्या आपको पता है कि अधिक चीनी और अधिक नमक से किडनी के प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं? इसलिए प्रोसेस्ड फूड कम खाएं क्योंकि इनमें सबसे अधिक मात्रा में नमक और चीनी होते हैं। ये काफी आसान लेकिन काफी प्रभावी बदलाव है जो आप डेली रूटीन में ला सकते हैं। इससे आपकी किडनी डिटॉक्स होगी। अधिक नमक खाने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है जिससे आपकी किडनी पर अधिक दबाव पड़ सकता है और आपकी किडनी समस्याएं हो सकती हैं। जिस डाइट में चीनी की मात्रा अधिक होती है इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। इसीलिए हर रोज तो घर का बना हुआ सादा खाना ही खाना चाहिए और हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार कभी ये प्रोसेस्ड फूड खा लें तो चल जाएगा। आपके डाइट में पौष्टिक पदार्थ हो, स्वस्थ पदार्थ हो, ये सब चीजें ही शामिल होनी चाहिए। इससे आपकी किडनी डिटॉक्सिफाई होगी। याद रखें, आपको खुद ही खुद का ध्यान रखना है और सही निर्णय लेना है खाने पीने के मामले में। जब ये सब आप करेंगे, लंबे समय एक जगह बैठेंगे नहीं क्योंकि वहाँ किडनी पर दबाव पड़ता है, तो जरा खड़े हो जाना, थोड़ा चल लेना, ये भी किडनी के स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी होगा। और ये सारी चीज़ें जब आप अपनाएंगे तो अपने आप किडनी डिटॉक्स हो ही जाएगी और स्वास्थ्य सुधर जाएगा और आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे। नमस्कार।